राइट है यू सी 390 एडवेंचर, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है विच इज रेड रूस्टर। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर आपने कुछ और भी जो चेंजेस किए थे, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि भाई आपके पास क्लिप ऑन का ऑप्शन था और फुल सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये बताओ, और ये क्यों किया ये बताओ। तो मैंने फ्यूलेक्स प्रो डाला हुआ है, तो बाइक की फ्यूलिंग बहुत लीन हो जाती है, बहुत प्रॉपर लीनिंग चालू हो जाता है फ्यूल का, तो उसके मतलब फ्यूल जलने के लिए जो प्रॉपर ब्रीदिंग रहता है तो अपना जो स्टॉक एयर फिल्टर है वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं दे पाता है, तो हम लोग ने डाला है BMC एयर फिल्टर फॉर प्रॉपर फ्यूल बर्निंग। बिल्कुल हाँ, तो जैसे ही वो फ्यूल बर्न होना चालू होता है उसको एग्जिट करने के लिए एक प्रॉपर एग्जिट करने के लिए एक प्रॉपर एरिया चाहिए रहता है, बट अब हमारा जो कैटकॉन कन्वर्टर है जो यहाँ पे लगता है बाइक पे, दैट डजंट लेट द एयर आउट, सो मैंने परफॉर्मेंस अपग्रेड के लिए ये दो डालने के बाद रेड रूस्टर एग्जॉस्ट डाला हुआ है। थिंक अबाउट क्लिप ऑन्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड क्लिप ऑन, एज आपने बताया इसके अंदर एयर फ्लो ज्यादा बेटर होता है परफॉर्मेंस वाइज, अगर ऑयल इनटेक की बात है वो सारी क्लियर हो गई। क्लिप ऑन लगाने पे सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपके बाइक का जो DB है जितनी लिमिटेड होनी चाहिए उतनी ही है, वो बढ़ती नहीं है, सो इवन इफ यू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ दैट तो आपकी गाड़ी का जो DB है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो इलीगल जोन में नहीं जाता। दोनों के अपने अपने काम अलग होते हैं, ये अगर आप लगाते हो तो उसके साथ साथ परफॉर्मेंस के सारे आपको चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे। खाली फुल सिस्टम लगाने से कुछ नहीं होगा या फिर खाली BMC एयर फिल्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक सिस्टम बनाते हो तो वो कंप्लीटली एक साथ चलना चाहिए। होप करता हूँ रील पसंद आई है, तो फॉलो फॉर मोर।